स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार राष्ट्रीय ध्वज के स्टॉल का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जिलाधिकारी का तिलक कर उनके प्रति अपना स्नेह प्रकट किया। दी गई जानकारी में जिलाधिकारी ने बताया कि 4 लाख झंडों के निर्माण का लक्ष्य उन्हें मिला था, जबकि बीती शाम तक 5 लाख झंडों का निर्माण किया जा चुका है। इन तिरंगों के निर्माण में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का विशेष योगदान है। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ भक्ति की भावना के साथ झंडों का निर्माण किया है। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से झंडों का वितरण कर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह द्वारा काम किया जा रहा है, किस तरीके से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद को 4 लाख तिरंगों के निर्माण का लक्ष्य मिला था। कल शाम तक हम लोग 5 लाख तिरंगे निर्माण कर चुके हैं और हमारे अधिकतर झंडों का निर्माण हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा करा गया है। मेरे द्वारा इनका कार्य जाके भी देखा गया था, कितनी ही लगन से और किस देशभक्ति की भावना से इन लोगों ने ये तिरंगे बनाए हैं। मेरा सभी जनपदवासियों से निवेदन है कि जनपद में कई स्थानों पर इन महिलाओं के स्टॉल्स हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं और इन महिलाओं द्वारा जो हाथों से निर्मित तिरंगा है उसको आप लोग ज़रूर इनके स्टॉल से खरीदें, जिससे हम अपने अपने घरों पर शान से 11 से 15 अगस्त के बीच में अपने तिरंगे को फहरा सकें। इस तरह के झंडों के स्टॉल्स का शुभारंभ करा जा रहा है और शहर के प्रमुख स्थानों पर ये तिरंगे हम लोगों को उपलब्ध रख रहे हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का वितरण का कार्यक्रम है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो उनके पास में सबसे निकटतम कस्बा होगा वहाँ पर भी ये तिरंगे उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ हमारे सचिवों के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर हैं उनमें भी हर घर तक तिरंगा पहुँचाया जाएगा।